Hello everyone. Good morning students. Today we are here to discuss chapter number 2. In the last video we have discussed about buccal cavity and tooth, in which we have discussed about milk teeth, permanent teeth, tooth decay, different types of stages of tooth decay, how we can prevent our tooth decay. All these things we have discussed in our previous video. So today the next topic is food pipe or oesophagus. What is food pipe? As we have discussed earlier, that food pipe is a pipe which is through which our food is passing through the mouth, or you can say buccal cavity, to your stomach. So let us discuss now. The food pipe starts from the neck region and runs until the chest area in animals. फूड पाइप जो आपका है वो आपका नेक रीजन से स्टार्ट होता है, नेक के पास से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है, वो चेस्ट तक जाता है किसी भी एनिमल में. अब फूड पाइप का टास्क क्या है? द फूड व्हेन द च्यू मूव्स थ्रू द फूड पाइप एंड रीच द स्टमक थ्रू दिस पाथ. जब आपका फूड आप अपनी बकल कैविटी में या आप अपने माउथ के अंदर इनटेक करते हैं, आपका फूड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस की फॉर्म में होता है. जब आप उस फूड को च्यू कर लेते हैं, आफ्टर दैट योर फूड इज कन्वर्टेड इन टर्म्स ऑफ सिंपलर सब्सटेंसेज. तो सिंपल सब्सटेंसेज में कन्वर्ट होने के बाद में आपका जो फूड है वो फूड पाइप या ओसोफेगस के थ्रू नीचे जाता है और फिर वो आपके स्टमक तक फूड पाइप या ओसोफेगस के थ्रू पहुंचता है. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज what is the direction of food pipe. The food pipe moves in downward direction in the food pipe. The food जो है आपका वो food pipe के अंदर downward direction में move करता है. आपका आपकी body के अंदर आप देख सकते हैं, आपका head ऊपर रहता है, आपकी buccal cavity ऊपर रहती है, फिर आपकी neck रहती है, chest रहती है, stomach रहता है, then आपके leg रहते हैं. इस तरह से आपकी body की structure होती है. तो आपकी बकल कैविटी नेक रीजन से आपका फूड पाइप स्टार्ट होता है और चेस्ट तक जाता है, मतलब कि अपवर्ड टू डाउनवर्ड. अब फूड पाइप के थ्रू ही आपका फूड जाएगा, तो उसके फूड का फ्लो का जो डायरेक्शन है दैट इज ऑल्सो फ्रॉम डाउनवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड टू डाउनवर्ड डायरेक्शन. आई होप फूड पाइप के सारे पॉइंट्स, तीनों पॉइंट्स आपको क्लियर हुए. द फर्स्ट पॉइंट इज हेयर व्हाट इज फूड पाइप, नेक्स्ट पॉइंट इज शोइंग द टास्क ऑफ द फूड पाइप, एंड द लास्ट पॉइंट इज शोइंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ food in the food pipe. Now the next point is stomach. The next part is stomach. What is stomach? It is the widest part of alimentary canal. Alimentary canal हमने देखी थी, जिसके अंदर हमने 6 part discuss कर रहे हैं, जिसमें से हमने 2 part discuss कर लिए हैं mouth और या फिर buccal cavity and oesophagus या फिर food pipe. The next part is we are discussing the third part, stomach. ये एलिमेंट्री कैनल का वाइडेस्ट पार्ट है आपका स्टमक. इट इज ए बैग लाइक स्ट्रक्चर विच इज ए फ्लैट एंड यू शेप और जे शेप भी आप इसको बोल सकते हो. द स्टमक इज कनेक्टेड विद द फूड पाइप एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन. स्टमक जो है वो आपका अपर साइड में फूड पाइप से कनेक्टेड रहता है, जबकि लोअर साइड में वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन जो कि वन ऑफ द पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल, उससे आपका कनेक्टेड रहता है. नाउ द स्टमक इनर लाइनिंग produces three things. Stomach की जो inner lining है वो तीन चीजें produce करती है. What are the three things and what are the task of these three things? First is mucus. It protects the stomach lining. ये stomach lining को protect करता है. Next है hydrochloric acid. Hydrochloric acid क्या है बेटा? एक acid है जो कि आपके stomach के अंदर जो bacteria present रहते हैं उनको kill करता है और digestive juices को activate करता है. तो व्हाट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड? इट किल्स द बैक्टीरिया प्रेजेंट इनसाइड द स्टमक एंड एक्टिवेट्स द डाइजेस्टिव जूसेज. द नेक्स्ट पार्ट इज थर्ड पार्ट, डाइजेस्टिव जूसेज. नाम से ही पता चल रहा है जो डाइजेस्ट करने के काम आएंगे वो जूस क्या होंगे आपके? डाइजेस्टिव जूसेज होंगे. डाइजेस्ट किसको करेंगे? जो भी आपने फूड को इनटेक किया है उस फूड को डाइजेस्ट करने के लिए जो जूस आपकी हेल्प करेंगे, दो जूसेज आर नोन एज डाइजेस्टिव जूसेज. दे हेल्प इन डाइजेशन ऑफ द फूड बाय ब्रेकिंग डाउन द प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द फूड इनटू सिंपल सब्सटेंसेज. जो भी आपका कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज है या प्रोटीन को
बेसिकली यहाँ पर बोला गया है कि उसको सिंपल सब्सटेंसेज में ब्रेक करके डाइजेशन के लिए जो हेल्प करते हैं दे आर नोन एज डाइजेस्टिव जूसेज। सो आज हमने दो चीजें डिस्कस करी बच्चों, फर्स्ट वन इज फूड पाइप और ओसोफेगस, द नेक्स्ट वन इज स्टमक। आई होप दीज टू पॉइंट्स आर क्लियर टू यू। वी विल डिस्कस द नेक्स्ट पॉइंट्स इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू बच्चे, गॉड ब्लेस यू।